अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। वेलकम टू नायल किचन। आज जी हम बना रहे हैं आलमंड केक। बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और आप इसे इजीली घर में बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलें जी, यहाँ पे सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, 100 ग्राम है जी हमारे पास बटर, 2 अंडे चाहिए हमें, 100 ग्राम शुगर है, 100 ग्राम ही हमें चाहिए मैदा, और इस तरह से हमने आलमंड को कट किया है, चॉप्ड आलमंड चाहिए, और हमें चाहिए यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जी वनीला एसेंस यूज़ कर लें या आलमंड एसेंस यूज़ कर लें, एज यू विश, जो आप करना चाहें। तो चलें जी, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे बटर को बीट करेंगे, तो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए बटर आपका। तो इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम शुगर, और अच्छे से आपने मक्खन को यहाँ पे करना है बीट, ताकि जो बिल्कुल जो शुगर और मक्खन है ये अच्छे से एक चांद हो जाएं और बहुत ही अच्छे से इनका बैटर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो देखें जी, आपने अच्छे से जो है इसे बीट करना है, ताकि जो शुगर और बटर का मिक्सचर है ये बिल्कुल हल्का हो जाए। इससे ये होगा कि आपका जो केक है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे जी हम इसे बीट करेंगे तकरीबन 5 to 6 मिनट्स। अच्छे से आपने इसे बीट करना है। तो देखें जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ जो इसका बैटर है वो कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से आपने इसे लाइट करना है, तकरीबन 5 to 6 मिनट्स आप इसको बीट करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा जो आपका केक है वो रेडी होगा। तो यहाँ पे जस्ट जो इसका टाइम है, यहाँ पे जो चीनी और मक्खन है इसको हमने बीट करना है, इस पर लगेगा, अदरवाइज़ बहुत ईजी है केक ये आलमंड केक। तो यहाँ पे 1 by 1 हम इसमें एग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक अंडा ऐड कर देते हैं और इसे बीट करेंगे, और एग डालने के बाद आपने इसे बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, नहीं तो साइड्स पे जो बटर का पानी आना स्टार्ट हो जाता है और जो है ये फटाफटा सा होने लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा बीट नहीं करेंगे एग डालने के बाद बैटर को, तो थोड़ा थोड़ा सा आपने बीट करना है। तो चलें जी, अब हम इसमें ऐड करते हैं नेक्स्ट एग। तो यहाँ पे हमने इसमें नेक्स्ट एग ऐड कर दिया है, सेकंड एग ऐड करेंगे। तो बहुत ही आपका यम्मी और मज़ेदार केक बनेगा, इस तरह से आपने केक को बनाना है। तो 1 by 1 आप इसमें एग ऐड करेंगे तो आपसे इजी बीट किया जाएगा इसे। तो देखें, यहाँ पे मैंने अभी इसे बीट भी बहुत कम किया है, तो फिर भी जो मक्खन है वो फटाफटा सा हो चुका है। तो अब हम इसे यहाँ पे बीट करना छोड़ेंगे और बाकी जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगेन इसे थोड़ा सा बीट करते हैं, ताकि जो ये फटाफटा सा हमें लग रहा है ये जो है एक जान हो जाए। तो यहाँ पे बीटर को जी अब हमने निकाल लेना है और इसके इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। सबसे पहले जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर जो हमने 1 टीस्पून लिया था, इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम मैदा जो 100 ग्राम्स है हमारे पास, थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो जो है हमसे वो नहीं शायद इशू था, हम यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है तकरीबन 1/2 टीस्पून एसेंस ऐड किया है, आप आलमंड कर सकते हैं या वनीला, जो भी आपने एसेंस करना है वो इसमें ऐड कर देंगे आप, और इसमें बाकी जो हमारा मैदा है बचा हुआ इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है और बिल्कुल अच्छा सा एक बैटर बनाना है आपने। तो बिल्कुल लाइट हैंड से आपने इसे मिक्स कर लेना है और प्यारा सा इसका एक बैटर की जो शेप आ जाएगी, तो थिक थिक सा इसका एक बैटर रेडी होगा। तो इस तरह से क्रश्ड आलमंड इसमें आपने डालने हैं और अगेन इसको मिक्स करना है, क्योंकि हम आलमंड केक बना रहे हैं तो इसमें इस तरह से क्रश्ड आलमंड भी आप इसमें ऐड करेंगे। तो अच्छे से आपने बिल्कुल जो है इसमें आलमंड्स को ऐड कर देना है, और अगेन अगर आप ऐड करना चाहें तो 1 pinch इसमें साल्ट भी ऐड कर सकते हैं। जिन लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होती है केक गले में लग जाता है खाने से, तो आपके सांस में जाता है या गले में लगने लग जाता है, तो आप इसमें साल्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, मुझे साल्ट का टेस्ट पसंद नहीं है, तो आप इसमें 1 pinch ऐड कर सकते हैं। तो देखें जी, इसका बैटर कितना अच्छा बन चुका है अब, तो अच्छे से हमने इसे बिल्कुल बाइंड कर दिया है। तो देखें जी, माशाल्लाह से हमारा बैटर जो है यहाँ पे रेडी है। तो अब हमने करना ये है कि केक टिन जो है इसको हम रेडी करेंगे, आलमंड्स उसमें लगा लेने हैं।
तो ताकि जो है अच्छे से हमारा आलमंड केक रेडी हो सके। तो यहाँ पे सबसे पहले है जी हमारे पास केक मोल्ड ले लिया है और यहाँ पे बटर है। अच्छे से जो है इसमें मक्खन को आपने लगाना है ताकि आलमंड इस पर अच्छी तरह से लग जाएं और अपनी जगह से हिले नहीं। तो इस तरह से देखिए साइड्स पे भी और इसके बीच में भी अच्छे से हमने बटर लगा दिया है। तो अब हमने जो यहाँ पे हाफ कट करके आलमंड्स रखे हुए थे वो हम इसमें लगाना स्टार्ट करेंगे। तो डिज़ाइन बनाएंगे हम जो आलमंड केक पे इसका डिज़ाइन आएगा। तो चलें जी यहाँ पे हम इसमें आलमंड्स लगाना स्टार्ट करते हैं जो हमने कट करके रखे हुए थे। तो सबसे पहले हैं जी यहाँ पे हमारे पास आलमंड्स। तो इस तरह से आपने इसका डिज़ाइन बनाना है इसमें। तो बहुत ही अच्छा और प्यारा सा आप डिज़ाइन बना लें जैसा भी आपको पसंद है। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो देखें जी माशाल्लाह से कितना अच्छा जो हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये आलमंड्स जो हैं वो इधर उधर हिलने लग जाएंगे या गिर जाएंगे। देखें अच्छे से वो बटर जो है उनको बिल्कुल अच्छे से कैच कर लेता है और बिल्कुल भी जो आलमंड्स हैं वो गिरते नहीं हैं। तो लें जी इस तरह से हमने पूरा जो टीम है उसे अच्छे से जो है डिज़ाइन कर लेना है। तो माशाल्लाह से आपका आलमंड केक बहुत अच्छा बनेगा। अगर स्टेप बाय स्टेप आप इसी तरह से तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका केक बिल्कुल भी ख़राब नहीं बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। अब इसके मिड में भी इस तरह से आप थोड़ा सा आलमंड्स के साथ डिज़ाइन बना लें और बहुत ही प्यारा सा जो आपका आलमंड केक है वो रेडी हो जाएगा। तो देखें जी माशाल्लाह से कितना प्यारा जो है यहाँ पे हमने डिज़ाइन कर लिया है इसे। और इसके बिल्कुल मिड में जो है हम हाफ कट करके चेरी लगा देते हैं ताकि डिज़ाइन इसका और भी प्यारा हो जाए। तो देखें जी यहाँ पे हमने इसमें चेरी लगा दी है। तो अब जो यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास ये आलमंड्स रह गए थे, चॉप्ड आलमंड्स थे, इनको हम इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंग कर देंगे ताकि जो है केक के ऊपर भी जो है आलमंड का अच्छा सा एक प्यारी सी जो है वो लेयर बन जाए। इस तरह से आपने लेयर बनानी है आलमंड्स की। तो देखें जी अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो बैटर हमने रेडी किया था उसे ऐड कर देंगे। तो लें जी यहाँ पे हमने ऐड कर दिया इसके ऊपर बैटर। तो अच्छे से हमने डिज़ाइन कर दिया था नीचे और ऊपर बैटर ऐड कर दिया। और इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से जो है प्लेन करना है, ऊपर से टैप नहीं करेंगे इसे आप क्योंकि नीचे हमने आलमंड्स लगाए हैं तो वो अपनी जगह से हिल ना जाए, इस वजह से इसे टैप नहीं कर रहे हैं। तो आप इसे स्टिक के साथ अच्छे से जो है आपने इसे बिल्कुल इस तरह से स्टिक को इसके बीच में लगाना है। तो यहाँ पर हमने इसे बेक किया था जी 180 पे तकरीबन जो है 40 मिनट्स के लिए। तो बहुत ही अच्छा केक हमारा बेक हुआ है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो देखें जी इस तरह से इसके ऊपर आप चाहें तो शुगर सिरप भी लगा सकते हैं, चाहें तो आप इसके ऊपर जैम को थोड़ा सा पानी डालें और इसे पकाएं और कोई सी भी जैम भी आप इस पे लगा सकते हैं टेस्ट के लिए। तो माशाल्लाह से जो हमारा केक है वो बहुत अच्छा रेडी हुआ है। यहाँ पे मैंने इस पे अप्लाई किया है जी शुगर जेल अप्लाई किया है। तो बहुत ही अच्छे से जो है हमारा केक रेडी हो चुका है। तो देखें जी माशाल्लाह से लुक भी इसकी बहुत अच्छी आई है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। काइंडली मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करें। तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्रुप्स में भी चैनल को इसी तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।